तो बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं इफ में एंड और के बारे में। जी हाँ, एंड और। तो एंड ठीक और है में हम बात करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशंस को करते हैं। जी हाँ, मल्टीपल कंडीशंस। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ मुझे 800 की इंसेंटिव मिली जो 50 और 80 के बीच में हो। अगर मान लीजिए ग्रेटर देन जस्ट 50 होता है, ग्रेटर देन 50 में 800 देना है, तो क्या करते हैं हम जनरली इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। इफ सेलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू 800 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और यहाँ पे हम 800 देते हैं और कॉमा 0 या जो भी है दे देते, ओके कर। ठीक है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया कि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हैं। तो मल्टीपल कंडीशंस को कैसे करें? तो यहाँ हम देंगे फॉर्मूला एन का, एन एन भी इसको सिलेक्ट करते हैं ग्रेटर देन 50, और इसको वापस सिलेक्ट किया लेस देन का क्या हमने एन। हाँ और ब्रैकेट क्लोज करते हैं और नीचे की तरफ से नीचे हम जंप करते हैं। हाँ ये तो तो क्या ठीक आ है। गया रिजल्ट? आगे रिजल्ट क्या आ गया? रिजल्ट आ गया ट्रू फॉल्स। ट्रू ठीक फॉल्स। है जी, अब ट्रू ठीक है फॉल्स जी। को हम क्या कर देंगे इफ में, इफ इसको लेंगे और यहाँ पर दे देंगे 800 और यहाँ पर दे देंगे 0 एंटरप्राइज के। अंकल जी, मैं परेशान करूंगा। ठीक आ गया सर। है जी, तो यहां आपने देखा कि हमने एंड का यूज किया, राइट? हाँ तो एंड का इस्तेमाल हमने कब किया जब मेरे पास दो से ज्यादा कंडीशंस थे। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है जी। है, दो से ज्यादा कंडीशंस थे और इसमें हमने क्या किया, दोनों के दोनों रिक्वायर्ड थे। इफ और एंड का यूज किया, ठीक है। अब यहां पे एक आती है यहां पे कि मेरे पास सैटरडे एंड संडे, हाँ ओके, सैटरडे एंड संडे, और मुझे इनके बीच में क्या करना है, यहां पे मुझे क्या करना है इन दोनों के बीच में, अगर सैटरडे संडे हुआ तो ओपन, अदरवाइज सैटरडे संडे हुआ तो ऑफ, अदरवाइज ओपन करना है। तो यहाँ एंड का ठीक इस्तेमाल है नहीं कर सकते ना, क्योंकि एंड में दोनों कंडीशन रिक्वायर चाहिए कि सैटरडे भी ठीक हो है और संडे भी हो। ठीक है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे आप? दो कि इफ इफ एम वन M1 इक्वल इक्वल टू टू नहीं एम एम टू टू एम टू सैटरडे है ना सर। हाँ, तो यहाँ और लगाएंगे सर हम, और इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर ए इक्वल टू सैटरडे है कॉमा वापस ए इक्वल टू संडे, तो अगर दोनों सैटरडे संडे हुआ तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ओके ठीक ठीक है, है जी। अच्छा एम टू इज इक्वल टू सैटरडे है और एम टू इज इक्वल टू संडे है, तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। अगर ट्रू आया तो इस कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, इफ यहाँ देंगे हम
यहाँ पे ऑफ, अदरवाइज ओके। ये जो ड्रैग किए इसको लेके नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, रिजल्ट आ गया। सर, ऐसा नहीं कर सकते कि ये ऑफ ऑफ ना करके हम ये जो रो है ये यहां से अपना आप हट जाए? क्या बोले सर, मतलब मैं चाहता ही नहीं मैं कि मैं चाहता ही नहीं कि मुझे मेरी वर्कशीट पे सैटरडे संडे दिखाई दे। सैटरडे संडे दिखाई ना दे, उसने हाँ, दिखाई ही ना दे। तो अलग अलग चीज का नाम दिया। यहाँ यहाँ बोले ये दिखा, मतलब यहाँ से हट जाए, रिमूव हो जाए। हाँ, अपने आप रिमूव हो जाए, जहां सारे हाँ संडे आए वो हट जाए अपने तो आप। उसके लिए अलग चीज का नाम। वो मेरे काम की चीज है सर। गोज सैटरडे संडे को मार्केट ऑफ रहता है ना, तो देर आर सम कैलकुलेशंस ऑफ ऑल सैटरडे संडे और विदाउट सैटरडे हाँ वो हम संडे। बताएंगे आपको आगे। उसको का फिल्टर फिल्टर करके कर सकते हैं क्या? फिल्टर फॉर्मूला भी आता है, उसमें फिल्टर फॉर्मूला भी लगाएंगे। मतलब अलग आप चाहिए डेट, चाहिए सैटरडे संडे ना हो बाकी सब डेट चाहिए, ये बोल देना आपको सर। या डेटा हाँ। उठाना है सैटरडे संडे छोड़ के, तो उसके लिए यहाँ फिल्टर का फॉर्मूला होता है। फिल्टर इसको आपने सेलेक्ट किया कॉमा, और आपने यहाँ पे दोबारा इसको सेलेक्ट कीजिए, जो भी कॉलम इस पे लगाना है और बोलिए नॉट, यहाँ पे नॉट इक्वल टू संडे। समझा नहीं, दोबारा दोबारा बताओ। हाँ, ये बताऊंगा आगे फॉर्मूला है, ठीक है ना। देख संडे हट ओके। नहीं, गया, फिर दो जाएगा ना, ना में सैटरडे ना संडे चाहिए, दो दो जाएंगे ना। ठीक हाँ दोनों लग जाएगा उसमें। आगे फॉर्मूला सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अभी डिस्टर्ब हो जाएगा, बताऊंगा। टॉपिक तो सीख रहे इसी के इम्पोर्टेंट है, ठीक है। है जी। या फिर आप चाहते कि डेट आए ही नहीं, सैटरडे संडे का डेट आए ही नहीं है बोल रहे हैं आप, तो हाँ नीचे की हाँ तरफ हाँ ड्रैग करें। आपको सिखाया होगा इसमें फिल्म में सीरीज वीक डे। अब देखिए इसे सैटरडे संडे का डेट आएगा ही नहीं, आया वन एंड टू नहीं अच्छा, आया। ये देखो वन के बाद थ्री आया, ये सॉरी थ्री फोर, वन एंड टू सैटरडे संडे था, तो वन तो हमने टाइप कर दिया था इसे कुछ नहीं किया, तो वन रहेगा पहला। उसके बाद सिक्स सेवन एट, देखिए यहाँ पे है एट नाइन नहीं है, ये है ना। यहाँ पे देखिए फिफ्टीन सिक्सटीन नहीं है, हाँ ठीक है सर। अब इससे एक बात हो सकती है ना, अभी इसमें और फिर और एक एक कमी कमी होगी होगी मेरे हिसाब मेरे से, हिसाब क्योंकि से, जब हम क्योंकि एक हम से लेके एक 20 से तक लेके आएंगे 20 तक ना, आएंगे ना, तो आई वांट आई टुडे वांट टू डे कि कि नंबर तो नंबर वो तो वो पूरे नंबर ऑफ डेज पूरे तो नंबर 20 ही ऑफ दिखाए, डेज ही दिखाए। हाँ लेकिन 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 विदाउट 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 सैटरडे सैटरडे संडे भी वो संडे दिन भी वो दिखाए दिन कितने हुए? दिखाए वो सैटरडे तो हो कितने जाएंगे कि हुए, कितना 15 दिन है, दिखाए 15 काउंट है तो 15 दिन है, कितना है, ठीक है? ठीक है। तो 20 दिन तो हमारे 20 दिन पास हमारे कैलेंडर पास डेज हुए और कैलेंडर हमारे पास डेज हुए सैटरडे संडे को छोड़ के हमारे पास 15 दिन हुए, और राइट? वो डेट की कैलकुलेशन समझाऊंगा आपको सर। आप ही चाहते हैं कि 2 दिन का 20 का डिफरेंस निकालना चाहते हैं, सैटरडे संडे काउंट नहीं करना चाहते हैं, बोल रहे ना आप। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा सर। अच्छा एक सैंपल बना खैर, लीजिएगा, फिर दिखाइएगा, हम बता देंगे उस पर, ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़े। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अब ये देखिए आपके सामने दिख रहा है, अब मुझे हाँ इसमें पास और फेल देना है। क्या देना है? ठीक है। पास और फेल। लेकिन रीजन ये है कि सारे सब्जेक्ट अगर ग्रेटर देन 30 है तो पास, अदरवाइज फेल। तो यहाँ एंड अच्छा लगेगा, जी, तो एंड में हम दो ही नहीं, दो से ज्यादा कंडीशन लगा सकते हैं कि बी टू इज ग्रेटर देन 30, इसको सिलेक्ट किया और बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ठीक है ठीक एंटर प्रेस किया, नीचे आप देख सकते हैं, है। ठीक है सर। अच्छा, क्लियर है, रिजल्ट टू फॉल्स ठीक आया। है ठीक है। अब इसको इफ लगा दीजिए यहां पे, इफ अगर ट्रू हुआ
तो यहां पे पास, अदरवाइज फेल। एंटरप्राइज करके नीचे की तरफ ड्रैग कर, ठीक है, क्लियर ठीक है जी। है? हाँ क्लियर है। क्लियर है। लेकिन इसी में अगर मान लीजिए कि जैसे यहां पे देखिए, यहां पे क्या है कि इसमें जो पैन नंबर और डीएल वाइज दे, मतलब एक आईडी प्रूफ जमा करने की बात यहां, ठीक है। तो इसमें अगर मान लीजिए कि मुझे इसमें से कोई भी एक करेक्टर, कोई भी एक आईडी प्रूफ जमा हो गई है, तो वाई दे, अदरवाइज एन दे। तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला और का, हम सेलेक्ट करेंगे इसको, पैन इक्वल टू आई कॉमा, इसको सेलेक्ट किए, दैट इज इक्वल टू आई कॉमा, इसको सेलेक्ट किया, दैट इज इक्वल टू आई, अगेन हमने पास किया यहाँ पे इक्वल टू वाई, देखा इस तरह से इक्वल टू वाई आप कर देंगे। एंटरप्राइज कीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ गया, ट्रू फॉल्स। इसको इफ में पेंडिंग वगैरह देना दे दी, लेकिन प्रॉब्लम कब होगी, जब मेरे इसमें से दो में से कोई एक चाहिए ही चाहिए, मतलब कि इसमें दो चाहिए, मैंने पैन तो चाहिए ही चाहिए, पैन के अलावा इनमें से कोई एक चाहिए, ठीक है। तो यहां हम फोन लगाएंगे फॉर्मूला एंड का, और फिर देंगे यहां पे दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा, और इस पर फिर वापस और दे दिया, और यहां इक्वल टू वाई कॉमा, इसको सेलेक्ट किया इक्वल टू वाई कॉमा, इसको सेलेक्ट किया इक्वल टू वाई कॉमा, इसको सेलेक्ट किया इक्वल टू वाई, और एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपके सामने ट्रू आ गया। अगर मैं इसमें ओके वाई हटा देता हूं तो फॉल्स आएगा, या फिर हम इसका वाई हटाते हैं तो ट्रू आया, क्योंकि यहाँ वाई डी है, दोनों हटाएंगे तो फॉल्स आएगा। ठीक है जी ठीक है जी। ये थी हमारी एंड और। अब बात करते हैं नेस्टेड इफ की, एक इफ के अंदर दूसरा इफ कब दे, क्यों जरूरत पड़ेगी, ठीक है ठीक है। जैसे कभी कभी हमारे पास एक कंडीशन होती है, तो एक कंडीशन है, ठीक है, अगर एक से ज्यादा कंडीशन हुआ तब क्या करेंगे, अच्छा वो बार बार एंड लेकिन और एक इफ से ज्यादा और का कंडीशन के यूज़। साथ साथ रिजल्ट भी ज्यादा हो। जैसे यहाँ पे दो कंडीशन है, तो हमने एंड लगाया था इससे पहली क्लास ठीक है में, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो है 800 भी, 100, 200 दिख रहा है आपको सर, कि जी 50 टू 80 हो तो 800, गेट लेस देन 50 हो तो 100, और ग्रेटर देन 80 हो तो 200, राइट। हाँ तो यहां हमने कंडीशन लगाया किसका, हाँ इफ, नेस्टेड इफ का, कि इफ हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, फिर कॉमा, अगेन इफ दिया और सेलेक्ट किया और बोला कि क्या ए लेस देन इक्वल टू 80 है, ठीक है। अगर ऐसा है तो 800, अदरवाइज यहां हम देंगे 200, और फिर कॉमा यहां देंगे 100। अब ये चीज को समझिए, देखिए क्या है कि हर इफ के पार्ट तीन पार्ट होते हैं, पहला पार्ट हो गया लॉजिकल टेस्ट, दूसरे पार्ट में मैंने दूसरा इफ डाल दिया, और ये आपका फॉल्स पार्ट हो गया, मतलब यहां चेक करेगा कि ए टू अगर ग्रेटर देन 50 है तो दूसरे इफ को रन करें, अदरवाइज वह 100 दे के फॉर्मूला को क्लोज कर दे, ठीक है। नहीं सर ये दोबारा बता दो, देखिए, ये समझ में नहीं आया फॉर्मूला कैसे यूज कर रहे हो पहला आप। इफ हमने लगाया यहां पे कि ए टू इज ग्रेटर देन 50, राइट। तो ठीक अगर 50 से बड़ा होगा तो दूसरा इफ जो है अपना चेक करेगा, नहीं तो क्या होगा, 100 देके रिजल्ट दे देगा, क्यों, क्योंकि ये दूसरा इफ जो है पहले इफ के टू पार्ट में और 100 फॉल्स पार्ट में, क्या अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है समझे। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ
अब ठीक यहाँ है। बात आती है दूसरा इफ चलेगा कि ये क्या लेस देन 80 है तो 800 आया। अब 800 क्यों आया, क्योंकि दूसरा इफ तभी चेक करेगा ना जब पहला इफ ग्रेटर देन 50 करके आगे फॉरवर्ड करेगा। हाँ अगर ग्रेटर देन 50 है ही नहीं तो दूसरा इफ चेक करेगा क्या करेगा, हाँ 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 समझे। ठीक है हाँ ओके, ये अच्छा फार्मूला है, अच्छा यूज किया। 200 आ गया सर। हाँ हाँ सर अब इसी में अगर मैं बात करूं कि अगर अब यहां पे और का देखिए, अगर यहां सैटरडे हुआ तो हाफ डे, संडे हुआ तो ऑफ, अदरवाइज ओपन। ठीक इफ है यहां पे इक्वल किया कि क्या ए सैटरडे है, सैटरडे है तो यहां पे एचडी मतलब कि हाफ डे शो करे। फिर एक और इफ लगाया कि क्या ए इक्वल टू संडे है, संडे है तो ऑफ शो करे, अदरवाइज ए शो करे हमारा ओपन। ओपन। तो यहां पे देखिए क्या है कि हर दूसरा इफ पहले इफ के फॉल्स पार्ट में, ध्यान रखिएगा जब एंड मेथड होता है तो दूसरा इफ पहले इफ के ट्रू पार्ट में होता है, जब और की बात आती है तो दूसरा इफ पहले इफ के फॉल्स पार्ट में होता है। मतलब ये बारी बारी जो चेक करेगा कि क्या सैटरडे है, सैटरडे है तो एचडी देगा और ये सब को भूल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अगर सैटरडे नहीं हुआ तो फिर दूसरा इफ चलेगा, संडे है ऑफ होने अदरवाइज ओपन, क्लियर है सर। अच्छा ठीक है सर ठीक है ठीक है समझे। हाँ ठीक है हाँ समझा ठीक है समझा सर सर, इसकी कीजिए प्रैक्टिस।